इस वक्त हम मौजूद है बकरी बाजार में। चूंकि आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं इस वक्त यहाँ पर पहुंची हूँ कि आज शाम 6 बजे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बकरी बाजार का उद्घाटन करेंगे। और ये भी आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि राजधानी रांची का पहला ये पंडाल होगा जिसका उद्घाटन आज यानी बहुत पहले ही हो जा रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि चंद घंटे के बाद खुद झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यही बकरी बाजार में पहुंचेंगे और पंडाल का उद्घाटन करेंगे, जिसको देखते हुए देख सकते हैं आप तमाम तैयारियों को यहां पर फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे जब सीपी राधाकृष्णन यानी कि झारखंड के राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगे तब तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाएगी, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग इसलिए भी बकरी बाजार पहुंच रहे हैं क्योंकि बकरी बाजार का जो इस बार थीम है वो काफी अलग है, काफी अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चक्रव्यूह के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि महाभारत में अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में फंसे थे उसी चक्रव्यूह को फिलहाल यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। इससे ठीक कुछ दिन पहले हम आपको तमाम तस्वीरों से यहाँ पर रूबरू करवाए थे कि किस तरीके से अंदर जो है वो पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है, किस तरीके से अंदर जो है लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। लोग दूर दराज से इसलिए भी यहाँ पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजधानी रांची का जो बकरी बाजार है वहां पर हर बार कुछ अलग थीम होता है, हर बार ऐसा थीम होता है जो लोगों को काफी आकर्षित भी करता है। और इस बार का जो थीम है उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि तमाम जो झलकियां हैं वो इस पंडाल में देखने को मिलेगी। महाभारत में अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में फंसे थे उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है और एक मैसेज जो है वो लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन देखिए राजधानी रांची का ये पहला ऐसा पंडाल होगा जिसका उद्घाटन जो है आज यानी कि बहुत पहले ही हो जा रहा है, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल पहुंचेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं पूरी तैयारियों को यहां पर अंतिम रूप दी जा रही है। ऐसे में जो समिति के लोग हैं यहां पर मौजूद हैं और लगातार इसको एक अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। चूंकि जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यहां पर पहुंचेंगे तब वो उद्घाटन करेंगे और तमाम लोगों को यहां की जो थीम है उससे जरूर रूबरू करवाने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने कई मीडिया चैनल्स में ये जरूर देखा होगा कि आखिर बकरी बाजार का थीम है क्या, और लगातार हम लोग भी ये कोशिश आप तक और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बकरी बाजार का थीम इस बार है क्या। क्योंकि पिछले बार की बात करेंगे तो पिछले बार में इस्कॉन टेंपल का रूप यहां पर दिया गया था और आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि राजधानी रांची के सभी पंडालों को फिलहाल अंतिम रूप दी जा रही है, सभी पंडालों का अलग अलग थीम है और यही वजह है कि दूर दराज से लोग राजधानी रांची पहुंचते हैं और पंडालों को देखते हैं तो सिर्फ यही बोलते हैं कि इस बार का जो थीम है वो काफी बेहतरीन है और इस बार का जो पंडाल है वो काफी अलग है। और इस बार भी कुछ इसी तरीके से बाहर से जितने भी लोग आएंगे कुछ यही बोलेंगे, सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि राजधानी रांची के भी लोग जब यहां पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग पंडालों का भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि इस बार का जो थीम है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत अलग है। इसी तरीके से और भी तस्वीर दिखाएंगे जब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बकरी बाजार पहुंचेंगे शाम के 6 बजे, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जरूर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजधानी रांची के पंडालों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है और बकरी बाजार वो पहुंचे हैं तो बकरी बाजार के पंडालों को देखने के बाद उनका क्या कुछ कहना है। तमाम रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे और उनकी जो भी बात आप तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश हमारी होगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा न्यूज 22 को। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो, जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुकी बरवाड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध दही लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।